जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र भोजी। आज इतनी रात को मैंने ये वीडियो डालने का मेरा विचार नहीं था, लेकिन जब मैंने तस्वीर देखी एक, सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। ये तस्वीर है बठिंडा पंजाब की, और वहां पंजाब के बठिंडा के मुक्तसर गांव की। आप ये देख रहे हैं, 80 साल के एक बुजुर्ग महिला जो एक ईंटों का छोटा सा मकान में, देखो किस तरह ये एक मकान में पड़ी हुई है। इसको दिखाने का मेरा एक मकसद सिर्फ इतना है कि इस महिला के दो बेटे हैं, दोनों ही एक अफसर हैं बड़े और एक नेता, और तीसरा इनकी एक पोती है, वो भी पुलिस के अंदर क्लास 1 अफसर है। जब इस महिला को, इस जो आप देख रहे हैं, इस स्थिति में किसी एनजीओ ने देखा है कि भाई ये यहां इतने दिन से, पता नहीं कितने दिन से पड़ी हुई है, उसके सिर पर कीड़े पड़े हुए हैं और बिल्कुल दयनीय हालत में। आप देखोगे तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। यहां मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि वहां उनके गांव के कुछ बंदों से, कुछ और लोगों से जानकारी मिली है कि भाई इसके जो बेटे हैं, एक तो नेताजी हैं और बड़ा रुतबा है, पैसा है, और दूसरा आर्मी अफसर है, बड़े अफसर यानी कर्नल से हो सकता है ऊपर ही होंगे। हालांकि मैंने कोशिश किया कि उनका नाम बताओ तो मुझे पता नहीं चला। और एक जो इनकी पोती है, क्लास 1 पुलिस की अफसर है। यहां सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जिसने अपनी जन्म दी हुई मां को इस तरह छोड़ दिया, वो अफसर क्या जवानों का भला कर सकता है? क्या वो इस देश के साथ ईमानदारी से ड्यूटी कर सकता है? वो गद्दार जो अपनी मां को नहीं संभाल सका, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दे सका, वो सेल्फिश आदमी इस देश के साथ और जवानों के साथ वफादारी कर सकता है? मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं और उन लोगों के नाम सामने आए, पंजाब के जो भी बठिंडा के आसपास के हैं, मैं चाहता हूं उनके क्लियर नाम सामने आए और उन लोगों को ऊपर कोर्ट के जरिए, क्योंकि कोर्ट का कुछ दिन पहले का आदेश था कि इस तरह माँ बाप, बुजुर्ग माँ बापों के साथ अगर कोई करता है तो कानूनन वो मुजरिम है और उसको सजा मिले। तो मैं चाहता हूं कि इन तीनों को ही सर्विस से डिसमिस किया जाए और जेल की सजा दी जाए। क्यों? क्योंकि बूढ़े, आपका जो जीवन है, जो जन्म लिया है वो मरेगा, जो युवा है वो कल बुजुर्ग होगा। ये कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो सकता है। अगर इस तरह के लोगों को समाज में कड़ी सजा नहीं देगी तो इस तरह आने वाले भविष्य में बहुत से बुजुर्गों के साथ इस तरह के हालात होंगे, और उसका जिम्मेवार ये हमारा भारत का संविधान लिखने वाले जो भी हैं, या हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप लोग भी कभी ना कभी बुजुर्ग होंगे, हो सकता है आपके बच्चे भी आपके साथ इस तरह काम करें, तो ऐसा ना हो, इसके लिए ऐसा सख्त कानून बने कि इन लोगों को जेल में डाला जाए, ताकि इनको पता चल सके कि जिसने आपको पैदा किया है आप उसकी सेवा करें। और ऐसे लोगों से मैं कहता हूं किसी भी प्रकार की उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस देश को और जो अफसर हैं और जवानों के साथ क्या बर्ताव करते होंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है वो सारा देश को बेच देंगे, गद्दार हैं वो। ऐसे गद्दारों को सजा मिलनी चाहिए, और जो सिस्टम के लिए हम लड़ रहे हैं उसकी मैं परमानेंट हमेशा कहता रहता हूं, जो सहायक सिस्टम में आप इस तरह की हालत देख के जो अपने माँ बापों को छोड़ सकते हैं, तो जवानों के साथ किस तरह का काम करवाते होंगे, अपने घर में जवानों को किस तरह नौकर की तरह यूज करते होंगे। ये सिर्फ सेल्फिश अपना, अपनी बीबी और अपने बच्चे यहीं तक सोचते हैं। लेकिन हराम खोरो, तुम्हें ये पता नहीं कि कल तुम्हारा बच्चा भी बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें भी छोड़ देगा, और तुम भी इस तरह किसी सड़क के किनारे पड़े मिलोगे। आज मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मैं चाहता हूं कि इस माता जी के लिए और उन तीनों हरामखोरों को जूते मारने के लिए वीडियो रुकना नहीं चाहिए, उनको पनिशमेंट होनी चाहिए, उनके नाम सामने आना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।